वो नींद को इससे महफूज रहना चाहिए। मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है ये बात, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कम से कम मोमिन इस बीमारी से महफूज रहे। जो बहुत बुराई बुरी हालात में आ गया, और फिर वैसे भी मैं किसी से और कोई मुझसे हसद क्यों करे, इसलिए कि जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास है, तुम्हारा भी मौला वही है जो मेरा है, मेरा भी वही है जो तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारा अगर कोई और मौला हो फिर हो सकता है, फिर मैं सोचूंगा कि भाई मोहब्बत रखनी है कि हसद करना है। जाने ग्रामी हमारी पूरी गुफ्तगू सूरह निसा की आयत नंबर 54 के जेल में पहुंची, और मैंने कुछ आयतें भी आपकी बारगाह में यकीन हत्या की, कुछ रवायात आपके हवाले पेश की, ताकि हमारी गुफ्तगू पुरानी आयात और इस्लाम की रवायात की छाव में आप तक पहुंच जाए। और आज इस आखिरी मजलिस का जो मेरी खमसे की आखिरी मजलिस है, आज पूरी गुफ्तगू को समेटते हुए नतीजे के तौर पर कुरान मजीद कुरान हमीद से मुमलिकत इलाही की कुछ मिसालें पेश करना चाहूंगा, खुदा के बादशाहों की कुछ मिसालें पेश करना चाहूंगा जिन्हें वाकया अल्लाह ने कुरान में बादशाह कहा। पैगंबरों में कुछ पैगंबर ऐसे जिनको अल्लाह ने दुनिया में जाहिरी तौर पर बादशाह भी बनाया है, उनमें से एक जनाब दाऊद है, सुलेमान है, तालूत है, और एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। इनको जाहिरी तौर पर बादशाह अता हुई, लेकिन याद रहे किसी नबी का जाहिरी तौर पर बादशाह न होना इस बात की दलील नहीं कि वह तुम जैसा है। भाई अगर किसी में हिम्मत है तो ये कहकर बताए कि अल्लाह ने हुजूर को यूसुफ सुलेमान की तरह बजाहिर बादशाह डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन कायनात में जितने बादशाहों की बादशाही है वो चलती मोहम्मद के दरवाजे से है। कोई नहीं कह सकता, शायद कहता है कि ऐसा कोई महबूब न देखा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और क्या क्या नहीं मिलता दुनिया को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लफ्ज में नहीं है। उसी शान का नवासा है। बेहद यसर ये था तकाजा यजीद का, मायूस को हुसैन ने उसको भी ना किया, सर दे दिया हुसैन ने बेहद न की, मगर इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। हाथ हमारा हाथ नहीं है भाई, तवज्जो है। मैं बड़ा अजीब इस पर फसाना कर जाता हूँ, मौलाना मौदूदी ने बड़ा प्यारा मिसाल कर दिया, भाई मैं क्यों इन उलमा को कोट ना करूं। मौलाना मौदूदी जमात इस्लामी के बानी हजरत मौलाना मौदूदी कहते हैं, जब मैं तारीख में पढ़ता हूँ कि जब सबने बयत कर ली थी हुसैन ने नहीं की, मौलाना मौदूदी कहते हैं मेरा तो सवाल यह है जब हुसैन ने नहीं की तो बाकियों ने कैसे की। नहीं भी है पुरानी भी है। हजरत मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जमात इस्लामी के बानी। अच्छा अपने नाम से बताइए, कितने नाम सुना उनका, ये बच्चों को तो पता भी नहीं होगा।
ऐसा खत्म कर दो कि जिक्र ही ना हो। जो हुसैन की बात कर दे, क्या कह रहे हैं, उसका जिक्र गोल कर दो, यही चल रहा है। अच्छा, मौलाना मौजूदगी कह रहे हैं कि ये बहसी में कार हुसैन ने चुनी की। अरे भाई, जब हुसैन का बैठ नहीं की तो किसी ने की कैसे? सत्तावाद इस्लामी मुल्क यजीद के हाथ के नीचे थे। उस वक्त के 57 मुल्क यजीद को अपना आका तस्लीम कर चुके थे। कड़वी हकीकत है मगर बोलना पड़ेगा, 57 मुल्कों के मुसलमान यजीद के आगे बिक चुके थे। हाँ, तुम हो, एक फातिमा का बेटा था, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छूटूंगा। तो जब आका हमारा ना छू सकता तो हमें कैसे झुका लोगे? नहीं छूटूंगा भाई। अजीब मामला है ये, आपके वोटों का क्या मामला होता है कि अगर ज्यादा तादाद से कोई जीत जाए तो बाकी वालों को भी पूछता भी नहीं, किसी भाव की भार में डालता, नहीं चाहेंगे तुम्हारे कुछ वोट। अरे जब 57 मुल्क के लोग यजीद की बैत कर चुके, यजीद मरा जा रहा था हुसैन की बैत के लिए, उस अहमक को भी पता था सारे मुसलमान मान ले और है जब तक हुसैन की मोहर न लगे। ये है मेरी आज की कहानी का जुमला। दूसरों की बैत कर लेना और है। हुसैन की बैत का मतलब, अब मैं मौजू से मुतासिल हो जाऊं, हुसैन की बैत होने का मतलब है उसने मोहर लगा दी, क्योंकि ये जमीन का बनाया हुआ खलीफा था, वो अल्लाह का बनाया हुआ, अल्लाह का बनाया हुआ, हुसैन अल्लाह का बनाया हुआ खलीफा, हुसैन अल्लाह का बनाया हुआ इमाम है। नहीं की बैत, नहीं की बैत, खुदा की कसम क्या जा रहा था। मैं बतलाऊं आपको, एक साहब ने किताब लिखी थी, अब मैं नाम नहीं लूंगा कितना किताब का मैं लिखने वाले का, एक साहब ने किताब लिखी, कहने लगे आपके तो मजहब में तकैया भी है तो आपके इमाम हुसैन ने तकैया क्यों नहीं किया? इसका जवाब में देखिए, ठीक है सवाल बेवकूफाना है लेकिन जवाब देना पड़ेगा, और ये हमारे जमाने के बेवकूफ सवाल का अकलमंद जवाब हम ही देते हैं। सवाल बेवकूफा नहीं होते सारे जितने पूछे जा रहे हैं, जवाब हम ही देंगे उसका अकलमंद। कहने लगे तुम्हारे इमाम हुसैन ने तकैया क्यों नहीं किया? तुम्हारे तो तकैया होता है, तकैया का माना असलियत को छुपा लो उसके खिलाफ बोल दो, ठीक है तकैया। इस वक्त मुझ समय हम सबका किदा है कि तकैया है और रहेगा। कहने लगे इमाम हुसैन ने क्यों नहीं किया? मैंने कहा इसका जवाब मुझे देना बाद में, मुझे ये बताओ रसूल ने उहद में तकैया क्यों नहीं किया था? अरे क्यों ले आए थे चाचा को शहीद कराने? भाई मेरे रसूल ने उहद में तकैया कर दिया था काफिरों से। तो जो जवाब तुम वहां दोगे वही जवाब हमारा यहाँ होगा। वाह 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 वाह। अब जवाब क्या होगा आपका कि रसूल तकैया ही नहीं कर सकते थे वहां पर? इस्लाम और कुफर का मामला था, खुलकर आया था वो इस्लाम के सामने हमने की जो भी था, और यही मामला करबला में था। करबला में, अच्छा एक करबला से पहले कोई ज्यादा अच्छे हालात नहीं थे, बहुत लोग समझते वो शायद बहुत कुछ उस दौर में शायद दूध की नहरें बह रही थी इमाम हुसैन से पहले, ऐसा कुछ नहीं है। उस दौर में भी बड़ी नहुसत थी, बस फर्क इतना है उस दौर में दीन पर हमला नहीं हुआ था। यानी उस जमाने में ये कोई नहीं कहता था कि नमाज छोड़ना बुरा नहीं है, छोड़ते थे लोग नमाज उस दौर में। इमाम हुसैन के जमाने में क्या हो रहा था, शराब पी जा रही थी और कहा जा रहा था ये दीन है, नमाज छोड़ी जा रही थी और ये कहा जा रहा था दीन है। अब हुसैन ने कहा मैं घर में नहीं बैठूंगा, इसलिए कि जो दीन का वारिस होता है वही तो बचा के निकलता है। अरे जब दीन बांट रहा था तो हजारों लेने आ गए, जब दीन ने मांगा तो सिर्फ 72 मिले। जब दीन बांट रहा था तो लाइन लग गई, जब दीन ने कहा लाओ हमें दो तो 72 मिले। अल्लाह ने गिरामी इमाम हुसैन ने कुर्बानी से पेश की ताकि कयामत तक के लिए। अब मैं मिसाल देता हूँ, नाराज अगर नहीं हुआ, क्या आज लोग नमाज नहीं छोड़ रहे? बड़े धड़ल्ले से छोड़ रहे, सुबह शाम छोड़ रहे। क्या मुसलमान ईसाइयों के लाइसेंस पे शराबें पी और बेच दे रहे? भाई मैं आपसे सच ना बोलूंगा तो किसके बोलूंगा जाकर? क्या ईसाइयों के परमिट बनाकर मुसलमान शराबें नहीं खरीद रहे?
जो ईसाइयों को बुरा क्यों कहते हो? शराबी बिक रही है, पीनी जा रही है, नमाज भी छोड़ा जा रहा है, लूट मारी मची हुई है, रिवर्स जिना चोरी ज्यादा ये वो सब हो रहा है और मुसलमान मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये तो है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क तो है और कयामत तक रहेगा ये मुल्क क्योंकि बना उसके नाम पर है जिसे हुसैन कहते हैं। तो मुल्क तो रहेगा, इसको मिटाने वाले तो मर सकते हैं, ये मुल्क नहीं मिटेगा। और अगर इस मुल्क पर आना चाहिए तो सबसे पहले हम ही खड़े होंगे क्योंकि हमने वफादारी सीखी है, गद्दारी हमारे बड़ों ने नहीं सिखाई, हम ही खड़े होंगे। लेकिन आज नमाजें भी छोड़े जा रही हैं, शराबी भी पी जा रही हैं, तो मुझे माफ कीजिएगा इमाम हुसैन की कुर्बानी का क्या हुआ? भाई फर्क है बड़ा बारीक सा, वो फर्क क्या है? आज शराबी भी समझता है कि शराब पीना है गुनाह, बस हुसैन ने ही जज्बा बेदार कर दिया। आज बेनमाजी समझता है कि नहीं यार नमाज छोड़ना है तो गुनाह, आज जुल्म करने वाला ये समझता है कि जुल्म करना है तो गुनाह। यजीद के जमाने में गुनाह होता था और उसे अच्छा समझा जाता था। यह है इमाम हुसैन की कुर्बानी का एजाज, इमाम हुसैन की कुर्बानी का एजाज। आयदान गिरामी खुदा की मुमलिकत के नुमाइंदों में पहला नुमाइंदा आदम है, बड़ा बुलंद मकाम और तबाय, एक एक नबी का बड़ा बुलंद मकाम में याद रखिएगा, एक एक नबी अपनी जात में अजीम फजाइल का पहाड़ बनता है, इसमें कोई शक नहीं और जरा बराबर इसमें सुस्ती बरतने की गुंजाइश नहीं। एक एक अल्लाह का फरिश्ता मोतबर है, मोहतरम है, और जिब्रील सबसे ज्यादा मोहतरम है क्योंकि वो सैयद अल मलाइका है। और क्यों ना हो, कभी हुसैन का झूला झूलाने आता है, कभी दर्जी बन के आता है, इस जैसे भी तो एहतराम हो रहा है। तो अल्लाह ने गिरामी फरिश्तों में जिब्रील सबसे मोहतरम और नबियों में आदम सबसे मोहतरम है, इतना मोहतरम कि आदम के जरिए से अल्लाह ने शांति की लोगों की फरिश्तों में से मुनाफिक को निकाल के अलग कर दिया और मुबारक फरिश्तों को अलग कर दिया। तो आदम बने माया शांति का। तो खुदा जब भी शांत भटक करवाता है तो अपनी हुज्जतों को भेज के कराता है, इसको मानो फिर देखूंगा मेरे हो या नहीं। अजीब बात है, ये नहीं कहता सजदे ज्यादा करो तो मैं बताऊंगा मेरे हो या नहीं। खुदा सजदों की तादाद को देखता, मासूम की मारिफत को देखता है। मैं कल का जुल्लास करूं जहां गुफ्तगू को छोड़ा था, चले मूसा 40 लोगों को लेकर, 40 लोगों को लेकर चले और वो दरिया के किनारे में पहुंच कर बिलखने लगे, बिदकने लगे, तड़पने लगे, मचलने लगे, डरने लगे, कितने लोग मरूम दुखे लगे, मूसा तुमने तो हमें फंसवा दिया। जो नबी को कहे तुमने हमें फंसवा दिया वो अच्छा आदमी होता है? अरे नबी तो फसलों को निकालने आता है भाई, अब कोई अपनी हरकतों से फंस जाए तो नबी क्या करे? क्यों आते हैं नबी अल्लाह के? इंसानियत को बचाने के लिए ना, निकालने के लिए। तुम कह रहे हो मूसा तुमने फंसा दिया, लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब वो बिलबिला रहते खड़े हुए तो कुरान क्या है? चले मूसा दुआ की पटवा दिखा मेरे चुने गए, पता चल गया कौन है, क्या करूं? लेकर तो आए हूं तेरे नाम पर, आवाज आई आना लगते असा का, अपने असा को जो हाथ में दरिया पे मारो। अरे भाई कुरान की आयत ही कोई रिवायत नहीं कि हरामी से मेरा बच्चा मुझे देख रहा है, हाथ में असा था ना डंडा था, क्या दरिया पे मारो, दरिया पे मारा, दरिया का पानी दीवारे बनकर खड़ा हो गया। तो आज अगर कोई मूसा का वारिस इस दौर में जी रहा है तो जरा समंदर को खड़ा करके दिखाए, इस समुद्र को यूं खड़ा करके दिखा दें आप दीवार में ऐसे। और ये कुरान का किस्सा है, जब कोई हदीस नहीं है कि ज़ईफ कहकर जान छुड़ा लेगा मौलवी, आयत है कुरान की, ज़ईफ तो कह ही नहीं सकता, कुरान क्या है तो ज़ईफ कहने वाला वो पागल होता है। कुरान में ज़ोर हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, कहीं हल्कापन हो सकता है। मूसा ने ऐसा मारा दरिया में रास्ता बन गया, तो दरिया से सिर्फ मूसा निकले या सब निकले? सब निकले। ये सब कौन है पीछे खड़े हुए जो दिल बिना रहे? अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम्हें गर्व कर दूंगा बड़ा तुम मूसा को सता रहे थे, अल्लाह ने क्या किया? चलो जाओ जाओ, अजीब मामला है, दिल बिना रहे थे, डिक्लेयर हो गए, खुल गए हैं कौन क्या कर रहे। अल्लाह ने क्या कहा मूसा जाने, क्यों आए तो तेरे साथ थे भाई, जुमला कुरान के हवाले से
पेश कर रहा हूं, आयत पढ़ी है मैंने, रिवायत पढ़ू तो टोक दीजिए का मौलाना, रिवायत नहीं सुना आयत पता नहीं। सात निकल गए मूसा के, तो मूसा के पीछे जितने थे वो सब अच्छे नहीं। लेकिन अल्लाह ने बचाया किस वजह से, कि मूसा के पीछे थे था। और अब आ रहा है पीछे किसका लश्कर दौड़ता हुआ, लश्कर बच्चे बच्चे को कहानी बताया। मैं तो कुरान का किस्सा सुनाकर कुरान की आयतों का कुछ सवाल पहुंचाना चाह रहा हूँ आपको बैठ के, और मौजूद पूरा कर रहा हूँ। फिरौन का लश्कर पीछे से दौड़ता दौड़ता आया, जब उसने देखा कि अरे रास्ता बन गया, अच्छा समंदर की जो जमीन होती है वो कितने टाइम में खुश्क हो जाती है, जमकर की जमीन खुश्क हो जाती है। लश्कर कैसे निकल कर गया वो बताओ, कोई रैंप लगा था उनकी उस पर चल के गए? ये मौजूदे हैं, सोचते रहो। पता लगा जब खुदा के बनाए थे के साथ निकलोगे तो वो डूबने से भी बचाता है, फंसने से भी बचा लेता है। अल्लाह नबी को खुश कर दिया, खुश हो जा, खुश हो गई। पानी को खड़े हो जाओ, पानी ऐसे खड़ा हो गया रास्ता बन गया। वो देख रहा है पानी की लहरें का, चलो कुछ नहीं होगा, ले गए निकाल कर। पीछे लश्कर आ रहा था, मौत रशी ने देखा, अच्छा जानता तो था मूसा को, फौरन लश्कर से कहा भागो जल्दी, इससे पहले कि मूसा बाहर निकले फौरन पीछे आ जाओ। उसे भी पता था जब तक मूसा अंदर है पानी बंद नहीं होगा, फौरन आया। अब खुदा को कौन समझेगा, जब मूसा के लश्कर का आखिरी निकल गया और फिरौन का आखिरी अंदर आ गया, अल्लाह के मौजों को कहा गिर जाओ, जैसे ही समंदर ऐसे गिरा तो मशीन की तरह पूरे लश्कर को घुमा के रख दिया, लग कर दिया। सवाल मैं ये करना चाह रहा हूं, मूसा के लश्कर में सब अच्छे नहीं और फिरौन के लश्कर में सब बुरे नहीं थे भाई, क्या आयत बननी पड़ेगी, वकाला रजुल मोमिन मिन आल फिरौन यक्तुमु ईमानहु। आल फिरौन में से, फिरौन वालों में से एक मर्द मोमिन भी था जो अपने ईमान को छुपाए बैठा। मुफस्सिर से पूछो वो गया कहां, आवाज आएगी गर्क हो गया। मैं पूछूंगा मोमिन था गर्क कैसे हो गया, आवाज आएगी था मोमिन रहनुमा सही नहीं चुना, ईमान देख के फैसला करता है। वाह 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 वाह। ये वाक्या का इसीलिए कि वजू करके आए, तिलावत करके चले जाए खड़े होकर, या गुना है कुरान को समझना गुना है, नुकसान हो जाएगा कुरान समझ लिया थोड़ा सा तो समझे कि क्या बतला रहा है खुदा। मूसा अच्छे इमाम, फिरौन बुरा इमाम। फिरौन को तो बुरा कहते हैं कम से कम भाई, फिरौन को तो सभी बुरा कहते हैं। मूसा अच्छे इमाम, फिरौन बुरा इमाम। मूसा के पीछे सब बुरे नहीं सब अच्छे नहीं, फिरौन के पीछे सब बुरे नहीं अच्छे भी थे। गए कहाँ, गर्क हो गए दरियाए नील के अंदर। अब समझ में आया अल्लाह ने क्यों कहा था, कुरान मजीद में सूरह बकरा में आयत लिखी, यौमा नदउ कुल्ला उनासिन, कहो आगे कहो बेनबी ये नहीं बेईमान, हम सब लोगों को इमाम के साथ बुलाएंगे, तुम तो किसी के काई नहीं हो, बताओ जाओगे क्या। हम बुलाएंगे कुल्ला नासिर सब लोगों को, बे इमामिहिम उनके इमामों के साथ। इसका मतलब जिस जमाने का जो आदमी होगा उस जमाने का उसका कोई इमाम होगा, तब हर जमाने में इमाम होगा ना, हर जमाने में एक इमाम होगा। इसीलिए किसी ने कहा था कि फरिश्ते जब हमें रोजे कयाम लेके चले, पे हिसाब बड़ा इंतजाम लेके चले, हरे कौम के हमरा था बस एक इमाम, हम अपने साथ में बारह इमाम लेके चले।
इमामत पर बोल सकते हैं कुरान से, बेस्ट थिंग। कोई रिवायत नहीं पढ़ूंगा, कोई किताब पर नहीं पढ़ूंगा, 10 दिन अगर कुरान से इमामत ना बताई तो फिर मैं भी अली का शिया नहीं। मजाक समझा भाई, अली को हजम करने वाली चीज है नाउज़ुबिल्लाह। अली को तुम समझ जाओगे, तुमसे तो मोहम्मद समझ में नहीं आया आज तक, अली के खाब समझोगे तुम तो आज तक नबी को नहीं समझ सके, नबी किस दर्जे का है, अली तुम्हें क्या खाब समझ आएगा। नबी को वो समझ सकता है जो अली तक आ जाए, इसीलिए हमने कभी नहीं कहा नबी हम जैसे, कभी नहीं कहा नबी हम जैसे। हमने अली से नबी को पढ़ा है, हमने अली से नबी को पढ़ा है। आजाने गिरामी इमाम अच्छा हो तो कौन का फैसला कर देता है पढ़ने का। और रिवायत मौजूद है कि अब देखिए ना, आइमा के पीछे लोग जा रहे होंगे, जैसे भी होंगे कुछ खताकार कोता अमद, हर आदमी ये आज की लड़ी हकीकत, हर आदमी कहीं ना कहीं कमी कोताही का शिकार है भाई। मैं दिफा होऊंगा, आप 90 होंगे, 100 तो कोई भी नहीं ना, सिवाय मासूम के 100% कोई भी नहीं, बल्कि मासूम को आप 110 कहते तो अच्छा है। ऐसा तो मासूम को परसेंट का तोड़ना मुनासिब नहीं है, लेकिन हम चूंकि परसेंटेज वाले लोग हैं तो मैं 110% मासूम मुकम्मल से हुआ है। बाकी हर आदमी में अभी है असर है, आस्ता आस्ता ये मैं जिससे सीधी है कि आओ परसेंटेज बढ़ाते रहो, जाओ हर साल परसेंटेज बढ़ते रहो, मजलिस से सुनते रहो, अपने ईमान का परसेंटेज बढ़ाते रहो। ऐ सैयदा की आवाज, ऐ सैयदा की आवाज, मजलिस फातम और नमाज, बासवते हाले हुसैन पे बामाजे कुरान का सलवार। अच्छा आप कोई बोले शायद के मतलब अल्लाह ये कहना चाह रहा था हम कयामत में लोगों को इमामों के साथ बुलाएंगे, यानी नबी के साथ बुलाएंगे, तो जब यानी नबी तो अल्लाह ने नबी यही क्यों नहीं कह दिया। वाह 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 वाह, आप हर जगह इमाम तो उन्हें भी नबी कर देते हैं भाई, इन्नी जाहिलो का लिन्नास इमामा, नहीं वो अल्लाह ने कहा था ऐ इब्राहिम मैं तुम्हें नबी बना रहा हूं, अबे नबी तो पहले थे वो, तो नबी को नबी बनाना कौन सा कमाल है। वाह 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 वाह, नबी थे अब इमाम बना रहा हूं। लेकिन अजीज आने ग्रामी ये जुमला भी अर्ज करता हूँ, जब नबी बनाया दिखाएं कुरान की एक आयत, 6666 आयतों में से एक आयत लाकर दिखाओ जिसमें कहा हो इब्राहिम तुझे नबी बनाना हो बेटे को ज़िबह करना। अरे भाई अभी तो गुजरा है बकरीद का महीना, इतनी तो याददाश्त है लोगों की, अभी गुजरा है बकरीद का महीना, ये नहीं कहा नबी बना रहा हूँ बेटे को कुर्बान कर, बल्कि जब इमामत देने की बात की तो कहा हमने इब्राहिम को ख्वाब दिखाया था बेटे को जिबा कर, तो इतनी तो बात कुरान ने बता दी, इमामत के लिए बेटों की कुर्बानी चलती है, बेटियों की कुर्बानी नहीं होती है। बेटे कुर्बान करो, बेटियां नहीं। बेटे कुर्बान करो, इब्राहिम ने एक बेटा कुर्बान किया, अल्लाह ने क्या कर दिया इब्राहिम को इमाम, और जिस जी के सारे बेटे कुर्बान, इमामत तुम्हारे घर में जाएगी, इमामत अली के घर में जाएगी, सारे इमामत अली के घर में, इमामत सिर्फ अली के घर की, किसी के घर की नहीं इमामत, इमामत इनके घर की। अब जो इनका होगा उसे हम कुछ मानेंगे, वरना उसे हम कुछ नहीं मानते। मैदान गिरामी इन बादशाहों में से एक बादशाह हुजूर के जद्द अमजद यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हुजूर के जद्द है ना अमजद, वैसे तो आदम अलैहिस्सलाम तक अजदाद जा रहे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल से हुजूर की नस्ल चली, बच्चे बच्चे को पता है, और दूसरे बेटे थे इसहाक जिनसे यहूदी चले, और यहूदियों को मुसलमानों से हसद क्यों है वो भी बहुत समझ में आने वाली बात है, कि हमें नबूवत क्यों नहीं आई, इसहाक के इसहाक में नबूवत ना चली आगे, इस्माइल में चल गई आगे, ठीक है। अब अल्लाह कुरान में इब्राहिम की बादशाहत बता रहा है, इब्राहिम का मकाम बता रहा है, वकज़ालिका नूरिया इब्राहीम मलकूत समवाद वल अर्ध, हमने इसी तरह इब्राहिम को जमीन व आसमान के करिश्मे दिखाए, मलकूत का तर्जुमा मैंने किया करिश्मे, हमने आसमान और जमीन के करिश्मे दिखाए, और देखा क्यों दिखाए, आगे आयत है ले यकूना मिनल मोकिनीन,
ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। इसको सोचते रहिए कि आप लोग, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, मैंने तो तर्जुमा कर दिया, आयत और तर्जुमा न हो तो मैं आपको तो हमने इब्राहिम को मलकूत की सैर किस लिए करवाई, ताकि वो मोकिनीन में सो जाए, यकीन करने वालों में सो जाए। एक आयत यो भी मैं पूछ लीजिएगा। दूसरी आयत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सूरह बकरा, काला कहने लगे रब्बे, ऐ मेरे रब, अरे नी मुझे दिखा दे, कैफा तुहील मौता, तू मौतों को जिंदा करता कैसे, अजीब फरमाइश है मेरे नबी, क्या अजीब फरमाइश है, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत, क्या हसीन गुजारिश है मेरे नबी इब्राहिम की, क्या ले जाए या रब्बे, ऐ मेरे रब, कोई बात करते कहते ना, अरे सुनिएगा, वो बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं, और कहते हैं ओ तो कोई नहीं सुनता, या रब्बे, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा दे तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता, क्या मोहब्बत का अंदाज है खुदाई कसम, कुरान की आयतों पर कुर्बान हो जाए, ऐ परवरदिगार मुझे दिखा तू मुर्दों को जिंदा, यानी कारखाने कुदरत के कुछ मामले देखना चाह रहे हैं कैसे करता है। काला, अल्लाह ने कहा फखुस अरबातन मिन अत्तैर, तो जाओ ये चार परिंदे पकड़ो, याद रहे कहा क्या था, ये दिखा दे मुर्दे जिंदा कैसे करता है, इतना ही तो कहा था ना, अल्लाह ने क्या काम बता दिया, कहा जाओ चार परिंदे पकड़ो, फसुर हुन्ना इलैक, चारों को मानूस करके जिबा कर दो और उनका गोश्त कीमा मिला दो आपस में, चार परिंदे को गोश्त कीमा मिला दो, सुमज अल अला कुल्ले जबलिन मिन हुन्ना जुजअन, फिर आस पास जो तुम्हारे पहाड़ी है ना, मक्का पहाड़ियों का शहर, आदमी पहाड़ है, चारों तरफ जो तुम्हारे पहाड़ियाँ हैं, इस कीमे की कुछ छोटी छोटी गोटियाँ बना के चारों पहाड़ों से कहीं कहीं रख दो। एक जुमले पे गौर कीजिएगा, जुमले से हटो तो मुझे रोक दीजिएगा, मानना आप आयत से हटो, पहाड़ में सारे कोनों पर कीमे को रख दो, चारों परिंदों के कीमे को, और तुम कहाँ जाओ वापस, मैदान में। अब भाई मैं मंजर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, गोश्त का लोथड़े जो है बने हुए वो रखे हुए कहाँ पर, पहाड़, नबी है मैदान में, नबी मैदान में, गोश्त पहाड़ पर, ये तो पहला मंजर तो नहीं है, ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ कि नबी मैदान में और कोई, आपके सारे वहां इसीलिए वो मौला की हदीस है, मोमिन जकावत वाला होता है, अकलमंद होता है, अकलमंद होता है, मैंने आपके सामने ये कहा ना, ये कोई पहला मंजर तो नहीं है कि नबी मैदान में और गोश्त पहाड़ पे, हजरत इब्राहिम मैदान में वापस आ जाएगा। अब अजीब जुमला है, सुम्मा उद्रूहुन्ना इलैक, खुदा की कसम मैं किसी बड़ी बिल्ली को कहूँ, ये बिल्ली इधर आ जा, सरकार में मौलाना मरे हुए जानवर को बुला रहे, और इधर नबी, कुरान का किस्सा, गोश्त का कीमा कर दिया, मार दिया चार परिंदों को, कीमा रख दिया पहाड़ पर, अल्लाह कह रहा सुम्मा उद्रूहुन्ना इलैक, पुकारो इनको, या तीन अकर सयन, दौड़ते रहेंगे तुम्हारे पास, कुरान के किस्से, खुदा की कसम मैं कहां रहा हूं मुर्दे भाई, अजीब किस्से कुरान के, कीमा रखा हुआ खत्म हो गए, जानवर अपनी असलियत खो चुका, रूह निकल गई, बदन खत्म हो गया, कीमा रखा हुआ पहाड़ों पर, वो आएंगे, पता चला नबी की आवाज पर मुर्दा भी जब बैठ कहकर पहाड़ से उतर आ जाता है, अजीब है, नबी इब्राहिम बुलाए मुर्दे चले आए, मोहम्मद बुलाता रहे जिंदा, जो काम हम कर सकते हैं वो हमारी हुज्जत भी कर सकती है, अरे इब्राहिम तो मुर्दों को जिंदा करे, अगर अली मुर्दे जिंदा करे, उनके कितने कसीदे मन कबते हुजूर की शान में,
नाक है मुल्ला अब्दुल अच्छा मुल्ला ये हम वाला मुल्ला नहीं कह रहे पहले जमाने में मुल्ला अदब का लफ्ज था आज मुल्ला की वजह से मुल्ला बदनाम हो गया है पुरानी किताबों में मुल्ला मोहम्मद ताकिर मजलिसी मुल्ला का लफ्ज निकला है मुले हक इमाम जमाने की दुआ में आखिर में आता है अल्लज़ी यमलउ अर्ज़ा क़िस्तं व अदला कमा मुलेअत ज़ुल्मन व जौरा क्या तर्जुमा है इमाम ये ज़मीन इमाम ज़मीन को अदल व इंसाफ से ऐसे भर देंगे मुल्ला का माना जो इल्म से भरा हुआ हो अजीब बात है पहले इल्म वाले को मुल्ला कहते थे आज जाहिलों को मुल्ला कहा जाता है आज जाहिल भी मुल्ला बना बैठा मुल्ला मोहसिन पैदा काशानी मुल्ला सदरा मुल्ला अब्दुल रहमान जामी कितने सारे शिया सुन्नी उलमाए तो मुल्ला अच्छा लफ्ज है लेकिन कुछ लफ्ज से बदनाम हो जाते हैं तो उनसे अवॉइड करना बेहतर है छोड़ दिया भारत में बड़े अदब से मुल्ला अब्दुल रहमान जामी बहुत बड़े आदमी हमारे अहले सुन्नत के दोस्तों के उनकी किताब है शवाहिदुन नबूवत उर्दू में आ गई उर्दू बाजार में जाके देख लीजिएगा वैसे तो फारसी में शवाहिदुन नबूवत दोस्तों के लिए रस कर रहा हूं Evidences of नबूवत एविडेंस तो सबको पता ना भाई एविडेंस लाओ नबूवत की एविडेंस किताब का नाम क्या है नबूवत के शवाहिद नबूवत के सबूत नबूवत की गवाहियां और अब बताऊं उसमें वाकयात किसके हमारे 12 इमामों के चले हैं गवाही देने नबूवत की किससे लिखा है हमारे मौला के अल्लाह ने हमको कह दिया कि तू मुर्दे जिंदा कैसे करता है तो अल्लाह ने हमको कह दिया तुम जाओ फरिंदे पकड़ो सिफा करो खुद ही रखो खुद की आवाज़ दो तो मौला ये अल्लाह ने खुद क्यों नहीं किया इमाम ने कहा अल्लाह बतलाना चाहता है कि हमारी हुज्जतें मफलूज नहीं होती हैं अरे भाई भाई तुम्हारी तरह नहीं होती है वो हमारी हुज्जत है हमने अपने मजहब देकर भेजा और इसके बाद पता है क्या किया अपनी जगह से उठे घर के सहन में आए चार मुख्तलिफ परिंदों को पकड़ के लाए वो देख रहा है पता नहीं मुझे मुझे दे रहा है उसको तो अभी वो तो दूर था बहुत मेजूको को भी जागा ही नहीं था वो तो जोशने का था ना बेजार तो लेने दो वो सो रहा था अभी जागेगा सटे इमाम के सामने जागेगा जैसे बहुत से लोग अभी तक सो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे हैं वो सो रहा था जाग रहा था लेकिन सो रहा था वो देखा इमाम चार परिंदे क्यों लिया इमाम ने चार परिंदों को रखा छुरी लाए उसको दूर दूर तक गुमान नहीं जा रहा अपने जैसा समझता था ना उनको आप होते पहले में निर्णय के मौला में समझ गया आप क्या कर रहे हैं उन्हें लगा पता नहीं क्या कर रहे हैं चार परिंदों को सिफा किया उनको कूटने लगे बैठकर उनका फीमा यूं कर दिया कहा उठ अब डरने लगा अब उनको शायद कुछ हो रहा है उठे कह दे मारक करे से मारक करे से मारक करा और खुद ही जगह पे आके बैठ गए कब मोर इधर आ परिंदा इधर आ कबूतर इधर आ चारों उड़कर दौड़ कर इमाम के पैरों में आ गए कदमों में गिर के अल्लाह का मौला मैंने तो कुछ और पूछा था कहा हम बताना ये चाहते हैं जो हमारा जज कर सकता है हम उससे ज्यादा इख्तियार रखते हैं देख लीजिएगा इमाम सादिक के चक्र में आपने लिखा है मुल्ला अब्दुल रहमान जामी आलिम अहले सुन्नत इमाम सादिक ने करके बता दिया पता चला ये मोजज़े सिर्फ इमाम हजरत इब्राहिम तक नहीं रुके उनकी आल तक भी आए जैसे तुम कहते हो कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम जैसे दुरूद आले इब्राहिम पर बराबर की पहुंची है वैसे फजाइल भी बराबर के पहुंचे दिखा मुझे जिंदा कैसे करता है अल्लाह ने कहा खुद ही कर लो खुद ही करके देख लो पता चला नबी और इमाम की इख्तियार में होता है जब चाहे किसी को मौत दे दे और जब चाहे किसी को जिंदा कर दे कोई शक नहीं इसमें कोई चूक चला की गुंजाइश इसमें नहीं वहां भी नहीं है मैं तो सोचता हूँ हमारे मुझे पता इसमें तो वहां भी गुंजाइश नहीं है लिखा हुआ इन लोगों ने कि भाई इनके बड़े कमदार मौसा हैं मैं जुमला कहकर बात को समराइज करूंगा आज
ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम। अच्छा इस जुमले को पूरा कर दूं ना, अल्लाह कहता है हमने इब्राहिम के लिए मलकूत के रास्ते खोल दिए। मलकूत पता है किसे कहते हैं? वैसे में लफ्ज़ मलकूत का माना डिक्शनरी में अलग लिखा हुआ है। मलकूत कहते हैं किसी भी चीज की हकीकत को पहचानना, ठीक है, किसी भी चीज की हकीकत। मैं मिसाल दूं, पानी आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये पानी है जाहिरी शक्ल। मैं दोस्तों से कहूंगा असल में ये क्या था? H2O। देखिए हुसैन के मिंबर का इससे बड़ा मोर्चा क्या होगा, बहुत सालों पहले पड़ा हुआ फार्मूला भी याद आ गया भाई पानी की। देखिए मैं दोस्तों से कह रहा हूँ, दरिया में क्या बह रहा है? पानी। इसकी हकीकत क्या है? H2O। अब आप में से कितनों ने वजू खाने पे H2O देखा? पानी है, पानी है भाई, लेकिन ये तय है इसके मॉलिक्यूल अलग अलग है H2O। तो किसी भी चीज की असलियत और हकीकत को क्या कहते हैं? मलकूत। आज हो रहा है छठे इमाम बैठे हुए, साहबी इमाम के पास बैठा हुआ है, रिवायत मुंतखिब मसाइल की उर्दू तर्जुमा भी आ गया, अरबी भी मेरे पास है। इमाम उसने देखा लबैक अल्लाहुम्म लबैक इन्नल हमदा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब चल रहा है माशाल्लाह। साहबी ने बराबर में कह दिया माशाल्लाह, क्या हज का मौसम है। छठे इमाम बराबर बैठे हुए थे, आपने फरमाया दिखाऊं तुझे, जिसने सुना वो मेरे साथ बोले, जिसने नहीं सुना वो हवाले का इंतजार करे, किताब मिले तो देख लेना, मैंने ले लिया। उसने कहा मौला क्या मतलब? कहा ये जो हो रहा है दिखाऊं? रिवायत का जुमला था मसहा यदुल इमाम अला आइनी है, इमाम ने हाथ को उसकी आंखों पे फेरा, अब जो देखा तो लिबास तो वही था, कोई कुत्ते की शक्ल में था, कोई खिंजीर की शक्ल में घूम रहा था, चिल्ला के कहने लगा मौला ये क्या है? चिल्लाने लगा, कांपने लगा, मौला ये क्या? कहा यही होता है जब हम हाथ फेरते। उसके बाद मौला ने कहा अगर हम अपने चाहने वालों के चेहरे पे हाथ फेरते तो वो अपने मुखालिफों को इन्हीं शक्लों में सुबह शाम देखे। आने दो बार में को वो जब हमारी आंखों पे फेरेगा ना हाथ तो पता नहीं कौन हमें फिर क्या क्या नजर आएगा, फिर पता चल जाएगा किसकी शक्ल किससे मिलती है किससे नहीं मिलती, फिर पता चल जाएगा शक्ल किससे मिलती है। ये है इमाम। उसने कहा मौला मेरी आंखों में वापस वही कर दे, जिंदगी अजीरन हो जाएगी मेरी। तो अब ये इमाम ने क्या दिखाया? उसको मलकूत दिखाया, यानी सामने नजर आ रहा है इंसान, लेकिन हकीकत उसकी क्या है? कहा मौला कौन लोग हैं ये? क्या ये हमारी विलायत का इकरार नहीं रखते? कहा हमारी विलायत के मुनकर इन्हीं शक्लों में नजर आते हैं, इन्हीं दो तीन शक्लों में नजर आते हैं। इमाम ने हाथ फेरा, वापस उसे हाजी नजर आने लगे, उसने चैन की सांस ली। इमाम फरमाते हैं जिस तरह से इब्राहिम के लिए मलकूत खोले गए थे हमने बगैर खुदा से कहे मलकूत को देखा है। इब्राहिम के अल्लाह कहता हमने इब्राहिम को दिखाए। एक होता है बताना, एक होता है पता चल जाना, एक होता है दिखाना।